अस्सलामु अलैकुम, अंजुम के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बलाई से मक्खन बनाने का नेहत आसान तरीका बताऊंगी। इसके लिए ये 5-6 दिन की ये बलाई है जो मैंने जमा करके फ्रीज़र में रखी हुई थी। अब मैंने इसको आधा घंटे पहले निकाल के रख दिया है। अब मैं इसमें ये 3 चम्मच जो है इसमें दही के डाल के हल्का सा मिक्स कर लूँगी और इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसमें एक चुटकी के बराबर ये हल्दी डालूंगी, जस्ट इसको येलो जो है वो टच देने के लिए। आपकी मर्जी है आप डालें या ना डालें। आप इसकी जगह कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलर से बेस्ट जो है ज़्यादा वो ये हल्दी है। दही के बग़ैर भी मक्खन बन जाता है, लेकिन दही से इसका जायका और इसकी लुक परफेक्ट बनती है। आप ठंडा पानी इसमें डालें, ठंडा पानी हो, और इसको ऐसा ऐसा से चम्मच से इसको हिलाते जाएं। ये देखिए, ये ऐसा ऐसा से ये मक्खन हमारा इकट्ठा हो रहा है। मैंने इसमें हल्दी थोड़ी सी और मिक्स की है। ऐसा ऐसा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ठंडा पानी डालते जाएंगे और इस तरह ये हमारा मक्खन जो है वो इकट्ठा होता जाएगा। मक्खन हमारा रेडी है। टाइट ढक्कन वाले प्लास्टिक के या इस तरह के किसी बर्तन में आप मक्खन को महफूज कर लें। आपने अच्छी तरह से इसको दबा के इसका पानी जो है ये बिल्कुल निकाल लेना है। ये बटर जो है अक्सर बेकिंग आइटम्स में यूज होता है, तो आप इसको फ्रिज में जब रखें और जो कोई भी आप बनाना चाहें चीज़ बेकिंग की, तो आप इसमें अच्छी तरह से आप इसको जो है ना खुश कर लें, इसका पानी जो है वो निकाल के आप इसको इस्तेमाल करें। माशाल्लाह से ये देखें मक्खन हमारा परफेक्ट तैयार है, चमकदार और बिल्कुल स्मूथ सा मक्खन हमारा बनके तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत आसान है बनाने का तरीका। आप इसको फ्रिज में रखें तो 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करें, और रेफ्रिजरेटर में आप 2 से 3 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो ये बचा है ये दूध, आप इसको ज़ाया ना करें, आप इसको सालन में या चावलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।